सबको सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, वो चपरासी का बच्चा हो, चाहे प्रोफेसर का बच्चा हो, चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, एक साथ एक स्कूल में पढ़ाइए, फिर रेस लगा लीजिए कौन जीतेगा। आपके तो स्कूल का प्रिंसिपल, इनफैक्ट आपके स्कूल का टीचर तक जो परमानेंट है, वो अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा। किस पैसे के मजबूत होने की बात कर रहे हैं? महंगाई इतनी बढ़ी है, क्यों बढ़ गई है महंगाई? पैसा मजबूत हुआ है, महंगाई क्यों बढ़ी है? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पर मौजूद हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय पे जो यहाँ प्रोटेस्ट देख रहे हैं छात्रों का, जो लगातार छात्रों के साथ हमेशा से होता आया है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं, पहले मेरिट लिस्ट ला दी जाती है, फिर अला बला ला कर करके उनको जो एडमिशन में उनके साथ किया जाता है। पहले सबसे पहले जान लेते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम है। तो क्या कुछ रहा है यहाँ पे आपको, जो यहाँ पे दोबारा से इसको लेकर के प्रोटेस्ट करना पड़ा? कई बार आप प्रोटेस्ट कर भी चुके हैं। ये हम पिछले लगभग जब से ही कट ऑफ रिलीज हो रहा है, इस मुद्दे को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के पीछे यही कारण है कि कट ऑफ के कारण हर साल सरकारी स्कूलों के गरीब छात्रों के बच्चों को छाट दिया जाता है, जबकि ज़रूरत है उन बच्चों को आगे बढ़ाने की, और इसलिए हम लोग कट ऑफ को हर साल जलाते हैं। इस साल भी कट ऑफ को हमने जलाया। इस साल जो DU का मेरिट लिस्ट निकला है, जो CUET के माध्यम से निकाला गया है, उसमें भी यही समस्या आई कि लोगों का ये कहना है कि एक पैरिटी देगा, क्योंकि आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो एंट्रेंस में आप सब लोग एक साथ बराबर भर के एंट्रेंस देंगे, तो जिसका फिर होगा दाखिला वो एकदम फेयर कॉम्पिटिशन के थ्रू होगा, जबकि ऐसा है नहीं। पहले जिस प्रकार अच्छी पढ़ाई जो पैसा दे पाता था बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में, उसको मिल जाती थी और उसके नंबर आ जाते थे, सेम इस बार भी ऐसा ही होगा। आप जितना ज़्यादा पैसा देंगे आपको उतनी अच्छी पढ़ाई मिलेगी, आपको उतना अच्छा आप कोचिंग सेंटर ले सकते हैं CUET के प्रिपरेशन के लिए। अब किसी गरीब के माँ बाप के पास अगर 8-10 हज़ार महीने में आ ही रहा है, वो तो क्या ही स्कूल का फीस पे करेगा और क्या ही वो कोचिंग सेंटर का पैसा पे करेगा। यानी कि यहाँ पे भी जो मूल जो समस्या है वो समस्या बनी रही कि शिक्षा में जो 12वीं तक की शिक्षा है उसमें कोई बराबरी नहीं है, और इसलिए इस CUET एंट्रेंस के माध्यम से भी जो ज़्यादातर छात्रों को जो छठे हैं जिनका दाखिला नहीं होगा, वो बड़ा हिस्सा वो सरकारी स्कूलों से पढ़ के आया है, और इसलिए हम लोग हर साल ये मांग करते हैं, इस साल भी ये मांग कर रहे हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटी क्योंकि जनता के पैसे पे चल रही है, तो उसमें पहला जो हक है वो सबसे जो वंचित समुदाय के छात्र हैं, वंचित समुदाय के बच्चे हैं, यानी गरीबों के मजदूरों के बच्चे हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पे दाखिला सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसके पीछे दो कारण हैं, एक तो उनके पैसे पे चल रहा है, उनके टैक्स पे चल रहा है, वही इस यूनिवर्सिटी कॉलेज को बनाते हैं। दो, वो सरकारी स्कूल से पढ़े, उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ के अपना सरकार के प्रति कमिटमेंट दिखाया कि हम देखो आपके भरोसा करते हैं, अब 12वीं के बाद फिर हम पे भरोसा कीजिए ना कि हम पढ़ के आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, पर 12वीं के बाद आप ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं उन पे तो हमेशा से यही आरोप लगता है कि वो पढ़ाई में ऐसे ही होते हैं, इसलिए उनके लिए ये ओपन लर्निंग टाइप के स्कूल्स बने हुए हैं, वहाँ से वो पढ़े। देखिए, इस तरह के आर्गूमेंट ऐसा नहीं है कि ये अभी से दिए जाने लगे, बहुत पहले से ऐसे आर्गूमेंट दिए जाते रहे हैं, ऐसे ऐसे कुतर्क गढ़े जाते हैं, तर्क नहीं कहूँगा इनको, ये कुतर्क गढ़े जाते हैं कि पढ़ने वाला तो कहीं से भी पढ़ सकता है, तो प्राइवेट स्कूल बंद कर दीजिए। फिर प्राइवेट स्कूल का होना ये दिखाता है कि पढ़ने वाला कहीं से नहीं पढ़ सकता है, जिसको अच्छी सुविधा मिलेगी वो पढ़ लेगा। अगर आपको लगता है पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ सकता है, प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए, सबको सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, वो चपरासी का बच्चा हो, चाहे प्रोफेसर का बच्चा हो, चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, एक साथ एक स्कूल में पढ़ाइए, फिर रेस लगा लीजिए कौन जीतेगा। अब आप एक व्यक्ति को 50,000 से 1,00,000 महीने का स्कूल का फीस दे और 1,60,000 रुपये 3 महीने में दे करके पढ़े, उन दोनों का शिक्षा में अंतर तो होगा ही। कौन 50,000 रुपये निकालना चाहता है, खासतौर पे ऐसे क्राइसिस के टाइम पे, जब कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई है, जॉब गई है, सैलरी आधी हुई है, इन सब के बाद आप उम्मीद करें कि हम किसी बच्चे का आप महीने का 30-40 हज़ार रुपये पे कर दे स्कूल का फीस में, वो नहीं पॉसिबल है। यानी कोई अगर दे रहा है तो वो अच्छी शिक्षा के लिए दे रहा है, वो इसलिए नहीं दे रहा कि आप 50,000 रुपये रखिए, आप 1,00,000 रुपये रखिए। बड़े बड़े स्कूल हैं जिनके 1-1,00,000 रुपये फीस है, यहाँ स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज में ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, दून स्कूल हो गया, वुडस्टॉक हो गया, मतलब राजा महाराजाओं के लिए जो स्कूल सब बनाए गए थे, तो उनसे पढ़ के बच्चे आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि पढ़ते नहीं है बच्चे, ये आप कैसे आपने मान लिया कि बच्चे पढ़ते नहीं है? आपने क्या उनको माहौल दिया? माहौल देना तो आपका काम है ना,
आपने, लेकिन वो माहौल नहीं बनाया आपने। शुरू से एक अंतर बने चल रहा था कि अमीरों के बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल, गरीबों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल, वो आप अंतर पाट नहीं पाए, उस अंतर को आप बनाए रखे। आपने क्या कंडीशन उनके लिए बनाया कि वो अच्छे से पढ़ पाए? क्या आपने उनके पेरेंट्स की सैलरी उतनी की कि उनको बाकी चीज़ों के बारे में, घर की समस्या के बारे में उनको चिंता ना करनी पड़े? आप उनके माहौल आपने सुधारा। आज भी जाइए ना गरीब बस्तियों में, आप पानी के लिए टैंकर पर 2:30 बजे लाइन लगती है, लड़कियां लाइन लगाकर टैंकर पर पानी भरती हैं, राशन पर जाकर लाइन लगाना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि एक ऐसा माहौल जिसमें एक कमरा दे दिया आपने 10x10 का, उससे भी छोटा कमरा, उसमें 6 लोग का परिवार रहे, उसी में खाना बने, उसी में पोछा लगे, उसी में मेहमान आए तो उसमें उसको बिठाएं, और आप चाह रहे हैं उसके बाद वो जब स्कूल से पढ़ के आए, घटिया शिक्षा लेकर के आए, और उसके बाद वो उस माहौल में आप पढ़ लें, वो कैसे पॉसिबल है ये मैं जानना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जो लगातार ये बात अपने भाषणों में बताते रहते हैं, मनीष सिसोदिया जो लगातार भाषणों में बोलते रहते हैं कि हमने उच्च, एकदम दुनिया हमसे प्रेरणा ले रही है, तो अपने बच्चों को भैया DPS में क्यों पढ़ा दिया आपने? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना, केजरीवाल के बेटे DPS में मंत्री हैं। हाँ, तो यानी कि आप दोगले हैं, आपकी बातों में दोगलापन है। आप कहते हैं कि आपके करनी और कथनी में अंतर है। आप कहते हैं कि हमने स्कूल अच्छा बना दिया, अपने बच्चों को आप प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आपके MLA, आपके जो आपके अंडर जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो IAS ऑफिसर सब है, आप उनके सबके बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फिर आप किस उम्मीद से कह रहे हैं कि आपने स्कूलों की स्थिति सुधार दी? आपके तो स्कूल का प्रिंसिपल, इनफैक्ट आपके स्कूल का टीचर तक जो परमानेंट है, वो अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है, तो आप किस बिना पे कह रहे हैं कि आपने स्कूलों की स्थिति सुधार दी है? तो ये तो कोरा झूठ है, और कोरा झूठ इनका पकड़ा जा चुका है, बार बार पकड़ा जाता रहा है कि ये सारी चीज़ें सुधार रहे हैं। मूल यही है कि ये एक जो अंतर है अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल, ये अंतर खत्म होना चाहिए। इसके कारण बहुसंख्यक जो गरीबों के छात्र हैं उनको छाटा जाता है एजुकेशन से, उनको कॉलेज में नहीं एडमिशन दिया जाता है, और ये जानबूझ के, ये पूरा कंसर्टेड एफर्ट है गवर्नमेंट के थ्रू, और जितने भी ऊपर लोग काम कर रहे हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि गरीब का बच्चा अब इनके अमीरों के बच्चे से, जो मंत्री के बच्चे, संतरी के बच्चे हैं, इन सबसे ऊपर ना निकल जाए, ये पूरा सुनिश्चित किया जाता है। वो सुनिश्चित प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का होना ये सुनिश्चित करता है कि गरीबों का बच्चा ऊपर ना पहुंच पाए। तो अभी जैसा भीम ने बताया कि जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा है वो उच्च नहीं दी जा रही है, लेकिन जो लगातार सिसोदिया साहब हैं, चाहे केजरीवाल हो, लगातार बता रहे हैं कि भैया उसमें हैप्पीनेस क्लासेस दी जा रही है, स्विमिंग पूल दिए जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों का ढांचा बदल दिया है, टीचर्स इतने कर दिए गए, पढ़ाई ऊँची, शिक्षा दी जा रही है, डंका बज रहा है उनका भी नाम का विदेशों में। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के आस पड़ोस के ही स्कूलों का मैं आपको हकीकत बता दूं, आज स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। नए कॉलेज खोलने के बजाय जो पुराने कॉलेज हैं उनको बंद करके, स्कूल जो हैं उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, और नए स्कूल खोलने के नाम पर दिल्ली सरकार जो है, कुछ दिनों पहले की बात है, ये ऐलान करती है कि हम मॉडल वर्चुअल स्कूल खोलेंगे। यानी कि अब स्कूल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुसंख्यक जो छात्र, एक बड़ा एक छात्रों का बड़ा हिस्सा जो सरकारी स्कूल तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, वो मतलब घर पर बैठकर, अगर उसके पास स्मार्टफोन है, अगर रिचार्ज कर पाने की उनके पास जेब में पैसे हैं, औकात है, तब तो ऑनलाइन भी स्कूल में शिक्षा लेने का वो सपना देख पाएँ। वरना स्कूल के लेवल पर भी, चाहे वो दिल्ली सरकार के ही स्कूल क्यों ना हो, ये बहुत बड़ा छलावा है कि दिल्ली में देश की जो सरकारी व्यवस्था है स्कूल की, वो कहीं से भी बेहतर हो रही है। नई शिक्षा नीति, नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी जिसको हम कहेंगे 2020, उसके तहत देश के अलग अलग इलाकों में, जब देश की राजधानी में स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो जो दूर सुदूर इलाके हैं जहाँ पर खस्ता हालत थी स्कूलों की, जहाँ टीचर नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, बोर्ड नहीं है, वैसे स्कूलों को तो बंद करके कई कई गाँव के लिए केवल एक स्कूल खोलने का ऐलान नई शिक्षा नीति कर ही चुकी है। जहाँ पर केवल स्कूल के नाम पर एक आंगनबाड़ी है 200-300 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ पर नया स्कूल नहीं खोलने का ऐलान तो अपनी शिक्षा नीति की नीति में और अपनी नीयत में सरकार ऐलान कर ही चुकी है। तो इस तरीके की जो सरकार की नीतिगत और नियतिगत छलावे, भटकावे और धोखे हैं बहुसंख्यक जनता के साथ, उसी का ये साफ साफ एक रूप इसका टॉफ
सिस्टम में, इस मेरिट सिस्टम में, इस CUET सिस्टम में हम साफ साफ देखते हैं कि आप देश के अभिजात वर्ग से आते हैं, जो एक छोटा सा हिस्सा है, जहाँ पर आपकी जेब में इतना पैसा है कि आप अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में, बड़ी बड़ी कोचिंगों में अगर आप कोचिंग ले सकते हैं, फीस भर सकते हैं, तो आप सपना देखिए विश्वविद्यालय में पढ़ने का और इस देश में सम्मानजनक रोजगार हासिल कर पाने का सपना देखने का आप उम्मीद रख सकते हैं। वरना 2024 का चुनाव भी इसी मुद्दे को रखकर यही लड़ा जा रहा है। सिसोदिया लगातार कह रहे हैं तुम हमें जेल में डालोगे, हम शिक्षा देंगे और शिक्षित करेंगे और स्कूल खोलेंगे। अभी हाल ही में मैंने कुछ दिनों पहले एक बोर्ड देखा दिल्ली सरकार का, जिसमें लिखा है कि क्या आप फ्री बिजली से खुश हैं और इसे जारी रखना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो नीचे के नंबर पर कॉल कीजिए। मैं 5 साल से दिल्ली में रह रही हूँ और मैं 5 साल से बिजली का बिल पे कर रही हूँ। मुझे यही नहीं समझ में आया कि ये इस बात इससे मुझे इस वाक्य से ये समझ में आया कि आज की जो व्यवस्था और सरकार है वो सवाल ही आपसे इस तरह का कर रही है कि जो चीज़ आप तक पहुंची भी नहीं है उसके बारे में आपसे कहा जा रहा है कि ये आपको मुफ्त में मिल रही है, तो आपको कैसा लग रहा है कि आप इसको जारी रखना चाहते हैं। जब एक बहुसंख्यक जनता के पास शिक्षा ही नहीं पहुंची है, एक बहुसंख्यक जनता के पास बराबरी का अधिकार नहीं पहुंचा है, तो हम इस समाज में मजबूर रहेंगे कि केवल और केवल, जैसे कि हम अडानी को देख रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी उनकी, उसकी जो धन दौलत है, संपत्ति है, जो इस देश के मेहनतकश हिस्से की मेहनत से बनती है, वो बढ़ती जा रही है, और जो इस देश की मेहनतकश जनता है वो आटा दाल चावल रोटी या स्कूल की फीस तक जुगाड़ कर पाने के लिए 14-14 घंटे खटने के लिए मजबूर है, मरने के लिए मजबूर है। इस देश के लाखों करोड़ों इंदर मेघवाल सरकारी स्कूल के आंगन में दम तोड़ने के लिए मजबूर हैं, और ये सिर्फ तभी ख़त्म होगा जब हमारा जो मिला जुला संघर्ष है बराबरी का, वो शिक्षा के स्तर पर हम बराबर शिक्षा की डिमांड को, KG से लेकर PG तक समान शिक्षा की डिमांड को हम एक साथ मिलकर उठाएं और उसके लिए संघर्ष करें। इस देश में चाहे वो बिरसा मुंडा का संघर्ष हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, भगत सिंह का संघर्ष हो, ये सभी एक हमारे लिए टेस्टिमनी है कि बिना संघर्ष किए हमें कुछ भी नहीं मिलता है। और आज के समय में जो लगातार शिक्षा की नीतियाँ निकाली जा रही हैं, जो लगातार मेरिट सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ावा देकर और ज़्यादा मेरिट की दीवार को, कट ऑफ की दीवार को ऊँचा किया जा रहा है, उससे इस देश के बहुसंख्यक हिस्सा को, जनता को, छात्रों को फ़ायदा नहीं होगा और समान अधिकार से सबको फ़ायदा होगा। और इसीलिए इस देश के युवाओं को, इस देश की जनता को समान शिक्षा के संघर्ष के साथ, हमारे आंदोलनों के साथ, हमें एक साथ मिलकर जुड़कर संघर्ष करने की ज़रूरत है। तो अभी जैसे इन्होंने बताया और जैसे कि दिल्ली सरकार या सरकारें हैं लगातार शोषित, वंचित और दलितों की बात करती हैं कि उनके बच्चों को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, गरीबी को मिटा रहे हैं, गरीबों को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उनके बच्चों को हम पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, तो ये सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वोट बैंक ही रह गया है, वाकई में ये लोग उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं? मैम देखिए, सिर्फ वोट बैंक रह गया है, राजनीति के लिए, पॉलिटिशियन के लिए अपने ये यूज़ कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जब बाहर से कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट यहाँ पे विजिट के लिए आता है तो झुग्गी झोंपड़ियों के आगे दीवार खड़ी कर दी जाती है, गरीबों को सुख सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं, गरीबों को पक्के मकान नहीं दिए जाते हैं, या तो उनके उनको छुपाने के लिए दीवार खड़ी कर दी जाती है, या बलजीत नगर जैसे आप एरियाज़ में जाइए जहाँ पे टैंकर्स के पीछे 2-2, 3-3 बजे लाइन लगनी रात को शुरू हो जाती है, वहाँ पे बिना उनसे अनुमति लिए, बिना नोटिस दिए उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। तो सिर्फ पॉलिटिक्स है, ये अपना राजनीति चमकाने के लिए कर रही है। भाई अगर तुम शिक्षा की बात कर रहे हो तो कहाँ शिक्षा दे रहे हो? सरकारी स्कूल की हालत ख़राब है, जैसे मेरे साथी ने कहा कि मॉडल स्कूल्स खोलने की बात की जा रही है। मेरी मदर विडो हैं, अगर वो मैं आगे पढ़ना भी चाह रही हूँ या सरकारी, मान लीजिए मैं स्कूल के स्टूडेंट हूँ और मैं आगे पढ़ना चाह रही हूँ, मेरी मदर के पास इनकम नहीं है, वो मेरा फ़ोन मैनेज नहीं करा सकती, रिचार्ज नहीं करा सकती मेरे फ़ोन में, तो मैं सरकारी स्कूल में भी कैसे पढ़ लूँगी? आप ये बताएं, सरकार ये बताए, मतलब ये छलावा जो कर रही है, या तो वो मीठी लॉलीपॉप देना बंद करे पहली बार, दूसरी बार जो पुख्ता कदम उठाने चाहिए सरकार को वो कदम वो उठाए, नहीं उठा सकती तो सरकार जो है वो जनता के हाथ में शासन छोड़ दे, जो गरीब जनता है वो अपने हिसाब अपने आप काम करेगी और अपने उस गरीब जनता से पूछ के या हम लोगों से पूछ के, जनता से पूछ के आगे के फैसले ले सकते। तो भारत के भी मतलब हालात श्रीलंका जैसे हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं मैम। अभी देखिए आप, जो ये अभी एक रैंक आया है इसका,
भूखमरी का, उसमें 161 देशों में से 121 है, 122वें देश पर भारत है। मतलब पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तमाम देशों को पीछे छोड़ चुका है भूखमरी में। मतलब यहाँ खाने के लिए वो खाने के लिए अन्न नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। मतलब आप ये देखिए, खाने के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, किसानों को यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है कि उनकी फसल अच्छे दाम पे बिके। एनएसएस में एनएसएस हो, एनपीएस है, मतलब आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब कहना सरकार क्या कहना, सीतारमण तो कह रही है ना कि डॉलर मजबूत हुआ है, पैसा नहीं गिरा है, पैसा नहीं गिरा, डॉलर मजबूत। मतलब क्या तर्क दे रहे हैं हम, क्या तर्क क्या दे रहे हैं आप, डॉलर मजबूत हुआ है, मतलब पैसा नहीं गिरा, पैसा नहीं गिरा तो ये हालत कैसे है देश की। खाने के लिए रोटी नहीं है, एजुकेशन के लिए सब यहाँ पे काम नहीं है, रोजगार नहीं है, पीएचडी किए हुए ग्रेजुएट किए हुए स्टूडेंट्स जो है वो तक यहाँ पे अनएम्प्लॉय घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। कहाँ से पैसे, किस पैसे के मजबूत होने की बात कर रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ी है, क्यों बढ़ गई है महंगाई, पैसा मजबूत हुआ है, महंगाई क्यों बढ़ी है। तमाम फल सब्जी आप मार्केट में जाकर देखिए उनके रेट क्यों बढ़े हैं, गरीबों के आज की डेट में गरीब के हाथ से एक आलू तक भी, मतलब आलू तक भी एक गरीब दिहाड़ी मजदूर खरीदने नहीं खरीद सकता। आज आलू मार्केट में आलू 40-50 रुपए किलो बिक रहा है, 20 रुपए किलो बिकने वाला आलू आज मार्केट में 40-50 रुपए बिक रहा है। मैं कह रही हूँ अगर पैसा मजबूत हुआ है तो आप उसको यूज कीजिए ना। मतलब किस, मतलब सब्जी खरीदने, फसल खरीदने में तमाम तरीके की फैसिलिटीज यूज कीजिए अगर पैसा मजबूत है, तो क्यों महंगाई बढ़ा रखी है यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, ये हालात है इसी देश के, इसी भारत देश के। मैं बात कर रही हूँ, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ के हालात हैं कि शोषित जो परिवार है और वंचित परिवार है, जो SC ST से आते हैं, जो OBC वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत कश लोग जो हैं, इतनी मशक्कत करके, दो टाइम की रोटी जुटा करके, और थोड़ी बहुत जो उनकी सैलरी आती है उस पर अपने छात्र, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ स्कूलों में, कॉलेजेस में भेजते हैं, लेकिन सोचिए उनके बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कभी मेरिट लिस्ट ला दी जाती है, तो कभी ऐसे ऐसी निकाल करके वो ला दिए जाते हैं कि जिससे कि ये सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, शोषित पीड़ित परिवार से आने वाले जो छात्र हैं, वो यहाँ तक ना पहुँच पाए इन शिक्षा संस्थानों में। पहले ही ऐसे लोगों की पैठ है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों की पैठ है कि पहले ही यहाँ पर शिक्षा को जो है गिराने का काम किया जा रहा है, और शिक्षा से वंचित रखने का काम किया जा रहा है लगातार छात्रों को, और ख़ासकर उन्हीं छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है जो शोषित परिवार से आते हैं। तो ये सब हमारे ही देश में हो रहा है, और सोचिए डॉलर मजबूत हो रहा है लेकिन पैसा नहीं गिर रहा है, सोचने वाली बात है। तो आप ये इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके के तर्क दिए जाते हैं, तो उसी के साथ यहाँ पर जो छात्र हैं, जो शोषित पीड़ित छात्र हैं, वो कैसे यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे इन शिक्षा संस्थानों में बराबरी का हिस्सा और दर्जा पा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा भेदभाव है। तो इसी के साथ दिखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में, पूजा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।